नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय टीम को WTC फाइनल के मुकाबले में 8 विकेट से न्यूजीलैंड के हाथों पिछले दिनों हार का सामना करना पड़ा है। इसी बात का बदला लेने के लिए अब इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी भारतीय टीम, मगर उससे पहले ही भारत की ओर से ओपनिंग करने वाले सुमन गिल चोटिल हो चुके हैं और वो इंडिया के लिए रवाना भी होने वाले हैं। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये बना हुआ था विराट कोहली के सामने कि रोहित शर्मा के साथ इंग्लैंड के खिलाफ अब ओपनिंग कौन करने वाला है, तो इसका जवाब विराट कोहली को मिल चुका है और सुमन गिल के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम को एक और नया ओपनर विस्फोटक बल्लेबाज मिल चुका है जिसने डबल सेंचुरी जड़ दी है आते ही टेस्ट में। अगर आप जानना चाहते हैं इस खिलाड़ी के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस खिलाड़ी का नाम है अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि वेस्ट बंगाल की ओर से खेलता है। दोस्तों, इस खिलाड़ी के नाम 233 रन हैं टेस्ट में, जो कि हाईएस्ट स्कोर है। एक पारी में 233 रन का रिकॉर्ड है अभिमन्यु ईश्वरन के नाम, जो कि फर्स्ट क्लास मैच में लगाया था 64 फर्स्ट क्लास मैचों की 111 पारियों में 4401 रन भी बना चुके हैं। 17 छक्के और 519 चौके इनके नाम हैं, 13 शतक और 18 अर्धशतक इनके नाम हैं। तो दोस्तों, आप खुद सोच समझ सकती हो कि एक खिलाड़ी कितना भयंकर खिलाड़ी है और रोहित शर्मा के साथ इंग्लैंड के खिलाफ ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरने वाला है। अभिमन्यु ईश्वरन ने वनडे में भी 149 रन ठोक रखे हैं एक पारी में और T20 के मात्र 19 मुकाबले खेले हैं। 19 मुकाबलों में ही एक शतक जड़ दिया है, 107 रन लगाए थे नाबाद। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि रोहित शर्मा के साथ ये खिलाड़ी एकदम फिट रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर विराट कोहली को फिर से चकमा लग सकता है, झटका लग सकता है और भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना फिर से करना पड़ सकता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।